बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हम पहले 1.1 क्लास 9 का क्वेश्चन पहले दो कर चुके थे, आज हम तीसरा क्वेश्चन करना चाहते हैं जी। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और वो दोनों मैट्रिक्स क्या है जी, इक्वल मैट्रिक्स है जी। तो इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन मैंने आपको बताई थी जी कि इक्वल मैट्रिक्स आपके पास वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके बारे में दो कंडीशन थी। एक तो यह था कि उनके जो एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होंगी और दूसरा ये है कि उनका जो आर्डर है वो भी सेम होता है जी। तो अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है जी, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो एंट्रीज होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो चलें जी शुरू करते हैं जी। अब देखें पहली एंट्रीज पहली के इक्वल होगी ए प्लस सी ये किसके इक्वल होना चाहिए जी, ये जीरो के इक्वल होगा ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है जी ए प्लस टू बी ये हमारे पास बराबर होगा जी माइनस के सेवन के। और उसके बाद ये सी प्लस माइनस वन है जी सी माइनस वन ये बराबर होगा थ्री के। और फोर डी माइनस के सिक्स ये इक्वल है जी टू डी के बराबर है। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है। यहाँ से हम ना ए की वैल्यू निकाल सकते हैं और ना ही सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू निकालें जिससे हमें बाकी वैल्यूज भी मालूम हो सके। तो देखिए हमारे पास ये क्या है, सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री है। तो यहाँ हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो आसानी से वैल्यू आ रही है सी की। यहाँ पे देखें यहाँ पे है जी सी माइनस वन इज इक्वल टू थ्री है, माइनस वन यहाँ पे है तो माइनस वन इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सी की वैल्यू यहाँ से आएगी थ्री प्लस क्या है जी वन। तो ये आपके पास जो सी है थ्री प्लस वन कितना होता है जी फोर। तो हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो कितनी आई है जी, फोर आई है। तो अगर हम ये सी की वैल्यू पहले इक्वेशन जो हमारे पास है ए प्लस सी अगर वहाँ सी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ए की वैल्यू आसानी से निकल आ सकती है। तो देखें जहाँ पे सी है वहाँ क्या पुट करेंगे, फोर पुट करेंगे। तो ए प्लस सी की जगह क्या पुट करना है, फोर इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये ए प्लस फोर है, प्लस फोर जो है इस साइड पे दूसरी साइड पे जाएगा बराबर इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा। तो ये ए इज इक्वल टू प्लस का फोर इधर आएगा तो ये माइनस का फोर, यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू भी आ गई है। तो बाकी हमारे पास रहती है जी बी और डी की वैल्यू रहती है। तो आप देखें गौर करें तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसमें अगर हम ए की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास बी की वैल्यू आसानी से आ सकती है। देखें हम पुट करते हैं ए की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, माइनस के आगे क्या है जी प्लस का टू, प्लस टू बी इज इक्वल टू क्या है जी माइनस का सेवन है। अब हमने बी निकालना है ये माइनस का फोर है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का फोर हो जाएगा। यानी कि आपके पास हो जाएगा टू बी माइनस के सेवन और प्लस का फोर है जी, ये टू बी और ये माइनस का सेवन प्लस का फोर। तो ये आपके पास माइनस के कितने बचेंगे जी, थ्री। तो हमने बी निकालना है, इस टू को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ आपने क्या करना है, टू पे डिवाइड कर दे या ये टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ठीक है। तो ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपके पास जो बी की वैल्यू निकलेगी वो माइनस थ्री बाय टू भी आप देख सकते हैं या इसको आप बी इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट फाइव भी आप देख सकते हैं जब हम इसको डिवाइड करेंगे ठीक है। ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना है जी डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू हमारे पास जो फोर्थ इक्वेशन है जी ये फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू डी, यहाँ से हम डी की आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं जी। देखें हमारे पास ये फोर डी माइनस क्या है, सिक्स इज इक्वल टू टू डी, क्योंकि हमने डी की वैल्यू निकाली है तो डी वाली वैल्यूज एक साइड पर रखें और कॉन्स्टेंट वैल्यू एक साइड पर रखते हैं जी। ये हो जाएगा जी फोर डी, अब ये प्लस का टू डी इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू डी, और ये माइनस का सिक्स इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का सिक्स हो जाएगा। अब फोर में से टू गया तो कितना बचेगा, टू डी, और ये किसके बराबर है जी, सिक्स के। हमने मालूम करना है जी डी फाइंड करना है। तो ये जो टू है इस साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा या इस टू को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे टू को डिवाइड कर देंगे। अब ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, टू वन ज़ा टू और टू
3006। तो आपके पास जो डी की वैल्यू है वो क्या है जी, 3 आई है। तो अब आपके पास यही वैल्यू जो आपने मालूम करनी थी वो आपके पास आ गई है। अगर यही वैल्यूज आप इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स जो एंट्रीज हैं तो वो बिल्कुल सेम आएंगी। ठीक है जी, तो इससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। तो